आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट 2 मिनट सूपी मैगी, जो बहुत ही टेस्टी होती है। आपने इस रेसिपी से पहले कभी भी नहीं खाई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और ये इंस्टेंट बनने वाली मैगी है, तो मैंने यहाँ 3 मैगी ले ली है, 2 ऑनियन ले लिए हैं, थोड़ा सा धनिया ले लिया है, और हरी मिर्च और 1 लेमन। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा, ऑनियन भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो शुरू करते हैं। तो हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने पानी डाला है। तो मैं 3 मैगी ले रही हूँ, तो मैं यहाँ 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आपने जितनी मैगी लेनी है उतने ही ग्लास पानी डालना। अगर 1 मैगी ले रहे तो 1 गिलास। तो यहाँ हम पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं, और इसमें हमने 1 चम्मच नमक डालना है। जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम सब कुछ चॉप कर लेते हैं। यहाँ सब कुछ चॉप कर लिया है, ऑनियन भी इस तरह से हमें स्लाइस में काटने, धनिया भी चॉप कर लिया है, और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप डालना चाहते हैं। यहाँ लाल मिर्च का बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, मैगी मसाला डालना है इस तरह से। तो मैगी मसाला हमने डाल ली, इसे अब अच्छे से इस तरह से मिक्स करें। अब हमने ये सब कुछ जो चॉप किया हुआ, हमने ये इसमें पानी में डाल देना है इस तरह से। और हमने आधे मिनट के लिए इसे पकने देना है इस तरह से, और फ्लेम जो है हमने मीडियम रखनी है इस तरह से। हमारा आधा मिनट हो चुका है, अब हम मैगी को बीच में डाल देते हैं। आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, अगर आप पूरी डालना चाहते हैं तो पूरी भी डाल सकते हैं। तो इसे अब इस तरह से पानी में अच्छे से मिक्स होने देना है। तो जो हमारी गैस की फ्लेम है उसे हमने मीडियम रखना है। एक फॉक लें, उसकी हेल्प से थोड़ा सा मैगी को अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। इस रेसिपी से आपने कभी भी मैगी नहीं खाई होगी, अगर आप ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी, और बाकी सारी रेसिपीज आप भूल जाएंगे। तो अब हमारी थोड़ी सी मैगी पक गई है, तो अब हम फ्लेम को हाई कर देते हैं ताकि हमारी मैगी जो है ज़्यादा ना पक जाए। इस तरह से आप देख रहे हैं, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, धनिए की, हरी मिर्च की, प्याज की। अगर हमारी मैगी बाहर आने लगे तो हम गैस थोड़ा कम कर लें इस तरह से, चेक करते रहें कि मैगी ज़्यादा बॉइल तो नहीं होगी। ये मैगी बनकर रेडी है, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे लेमन जूस भी निकाल लिया है, तो इसमें हम लेमन जूस डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप चटपटा खाना चाहते हैं आप उतना डाल लें। तो अब हम सर्व करते हैं मैगी को। हमारी चटपटी सी मैगी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी मैगी की अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।